Hello students, how are you? I hope you all will be fine and doing your studies regularly. Okay? So dear students, before starting our class, let us revise कि हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था. Yes, tell me what we have studied. Yes. So chapter number 10. Yes. What was the name of the chapter? Workmen and their tools. Right? तो जो लोग काम करते हैं, है ना, अलग अलग, तो वो कौन से टूल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने सीखा था. तो ये टेक्स्ट बुक में आपका यही चैप्टर था, राइट, है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्कमैन कौन से थे, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, टेलर, देन मैसन, देन मैकेनिक एंड कॉबलर. तो ये लोग कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है, राइट. तो लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर हमने रीड किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और आपने अच्छे से उसको सुना था, राइट, ओके. अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, जो यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 20. पेज नंबर 20 में एक्सरसाइज फर्स्ट, व्हाट इज दैट, हु एम आई, मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द वर्कर्स, मतलब जो काम करते हैं लोग, ठीक है, तो वो कौन है, उनका नाम यू हैव टू राइट, ओके. तो लेट अस स्टार्ट. सो प्लीज़ एवरीबडी पे अटेंशन हियर, कहीं भी आजू बाजू ध्यान नहीं देना है आपको, ओनली यू हैव टू सी हियर, यू हैव टू अंडरस्टूड, एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल बी राइटिंग इन द टेक्स्ट बुक, ओके, एज अ होमवर्क, ओके. तब तक आपको यहाँ पे देखना है. सो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट. सो फर्स्ट वन इज Who am I? Means मैं कौन हूँ. I mend the shoes. मैं जूते चप्पल सिलता हूँ. कौन है वो? Yes, cobbler. तो यहाँ पे हम लिखेंगे first one में cobbler. तो COBBLER, cobbler. Right? Number टू, I build the wall. Means मैं दीवाल बनाता हूँ, दीवाले, ये जो wall होती है ना हमारे घर की दीवाल, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, घर ही बनाते हैं. तो वो जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, दीवार ऐसे पहले खड़ी करेंगे ना, फिर बाद में ये छत बनाते हैं, लाइक दैट, तो वो कौन बनाता है, याद है? यस, मैसन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम ए एस ओ एन, मैसन, राइट. अभी आता है आई मेक द फर्नीचर. मैं फर्नीचर बनाता हूँ. फर्नीचर मीन्स ये टेबल, चेयर, ये बेड, है ना, जो भी लकड़ी की वस्तु है, जो भी है, कबोर्ड्स, है ना, तो वो सब कौन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, चलो याद करो, कारपेंटर, है ना. तो यहाँ पे आएगा कारपेंटर, सी ए आर पी ई एन टी ई आर, कारपेंटर, राइट. नंबर फोर, आई सी द क्लोथ्स. मैं कपड़े सिलता हूँ, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े सिलता हूँ. कौन है वो, जो कपड़े आप पहनते हो ना, वो कौन सिलता है, पता है ना, टेलर, है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा, टेलर. तो टी ए आई एल ओ आर, टेलर. नेक्स्ट कम्स आई रिपेयर द मशीन्स. कुछ भी मशीन बिगड़ जाती है ना, कुछ भी, तो वो कौन रिपेयर करता है, जैसे आपकी कोई गाड़ी है वो बिगड़ गई, या कुछ भी मशीन जैसी कोई भी चीज़ है, अगर वो ख़राब हो गई तो कौन आएगा रिपेयर करने के लिए, मैकेनिक, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, मैकेनिक. तो स्पेलिंग हम लिखेंगे एम ई सी एच ए एन आई सी, मैकेनिक. आई मेक सिकल्स, ये जो लास्ट वाला है, सिक्स नंबर, आई मेक सिकल्स. अभी आप सोच रहे होगे, यू माइट बी थिंकिंग कि व्हाट इज दिस सिकल्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना. यस, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट सिकल्स. सिकल्स मीन्स वो लोखन का बना हुआ था, लोहे की वस्तु है, ठीक है. तो वो जो है, जैसे कि आप गांव में जाते हो ना, तो खेत में जाओगे, हाँ, तो वहाँ पे जो फसल होती है ना, ठीक है, ये जो गेहूं, चावल, ये सब उगाया जाता है ना, खेती जो होती है, तो उसको जो जब वो तैयार हो जाता है क्रॉप, है ना, तो उसको काटने के लिए जो यूज़ होता है,
ठीक है, टूल एक होता है उसमें बहुत धार होती है और ऐसे गोल बना होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में एक दिखाती हूँ बना के ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस। फिर ऐसे हैंडल होता है और ऐसे पकड़ने का होता है उसका स्टैंड, ठीक है, ये ऐसे होता है, ओके। तो इससे क्या, वो क्रॉप को ऐसे करके ऐसे कटिंग करते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दराती, और गुजराती में दातरडू बोलते हैं, और इंग्लिश में सिकल्स। तो ये जो लोहे की वस्तु है वो कौन बनाता है, ब्लैक स्मिथ। कौन बनाता है, ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ जो होता है वो सारी लोखंड की जो भी वस्तु होती है लोहे की, दैट ब्लैक स्मिथ बनाता है, राइट। तो ये जो सिकल्स है, अभी आपको समझ में आया ना सिकल्स किसको बोलते हैं, है ना, वो उससे क्या क्रॉप को कटिंग किया जाता है, जो फसल उगती है ना खेत में, ओके, फील्ड में, तो वो उसके कटिंग के लिए ये सिकल्स का यूज होता है, राइट। तो ये कौन बनाता है, ब्लैक स्मिथ। तो बी एल ए सी के, ब्लैक, एस एम आई टी एच, ब्लैक स्मिथ, ओके। ब्लैक स्मिथ, राइट। सो दिस क्वेश्चन नंबर वन इज ओवर। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर टू। राइट द नेम्स ऑफ इट्स यूजर्स, मीन्स यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है उसमें ये जो टूल्स है उसको कौन यूज करता है उनका नाम लिखना है, ओके, मीन्स वर्कमैन का नाम लिखना है, ओके, राइट। तो फर्स्ट वन इज ब्लेड्स, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, ये कौन यूज करता है, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, ब्लेड्स, ये कौन यूज करता है, ये पक्कड़ जो होता है ना रिंच पाना जिसको बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर, ये कौन यूज करता है, तो कोई मशीन बनाने के लिए यूज करेंगे तो कौन यूज करेगा, मैकेनिक। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे मैकेनिक, राइट। सेकेंड वन, ट्रोवेल, हैमर, प्लम्ब लाइन, डरबाय, ये कौन यूज करेगा, ये मैसन यूज करते हैं, राइट। जब घर बनाते हैं, व्हेन दे आर मेकिंग हाउस, तो दे यूज दीज टूल्स, राइट। नंबर थ्री, प्लेन, सॉ, चिजल, ड्रिल, ये कौन यूज करता है, जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर का, तो कौन आएगा हियर, कारपेंटर, ओके, सी ए आर पी ई एन टी ई आर। नंबर फोर, शू स्टैंड, निडल एंड थ्रेड, चिजल, हैमर, अभी ये कौन यूज करता है, शू स्टैंड, राइट। फिर निडल एंड थ्रेड सिलने के लिए, तो अभी पता चल गया ना, कॉबलर, जूते चप्पल जो सिलता है वो ये सारे टूल्स यूज करता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी ओ डबल बी एल ई आर, कॉबलर, ओके। सो हियर आवर वर्क इज ओवर। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर होमवर्क, राइट। ये होमवर्क होगा आपका, ये भी होमवर्क, राइट। तो होमवर्क में यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन योर टेक्स्ट बुक। सो हियर आई एम राइटिंग कंप्लीट द वर्क, ओके, इन द टेक्स्ट बुक, ओके, टी ई एक्स टी बी डबल ओ के, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा ये चैप्टर, और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा। वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 10, एंड आई होप यू विल कम्प्लीट योर वर्क ऑफ दिस चैप्टर विथ नीट एंड गुड हैंड राइटिंग, टेक्स्ट बुक में आपको करना है, राइट, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अवर न्यू चैप्टर, राइट, दैट इज चैप्टर नंबर 11। टिल देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।